हाय एवरीवन जेसल जयसलर वेलकम टू माय चैनल जेसल टेक्स सॉल्यूशन आज है फोर्टीन जान 2024 और हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर द टुमोरो नेक्स्ट वीक विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टीन जान एंड दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया बड़ा दिन है मकर संक्रांति सो एवरी हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी पोंगल हैप्पी भोगी एंड हैप्पी लोरी एज वेल सो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग कि आज बहुत लोग पतंग उड़ाएंगे काइट फेस्टिवल है बट उसके साथ ही एक दुखदायक बात है कि बहुत सारे बर्ड्स आर गेटिंग इंजर्ड बहुत ही मतलब उनकी बुरी हालत होती है मैं मुंबई में रहता हूं और स्पेशली इन चांदीवली बोरीवली मलाड़ में हम लोग के ग्रुप ने बहुत सारे कैंप ओपन किए हैं फॉर बर्ड्स बिकॉज uh, uh, कल भी मैंने देखा था अराउंड मेरा सन इज सन इज़ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप सेव बर्ड्स और वहाँ पर करीबन 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड बर्ड्स घायल आए हुए थे जिनको वो लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट के बी केयरफुल uh, के आप अपने एन्जॉय uh, के लिए दूसरे के दूसरे uh, पंछियों का या तो इंसानों का नुकसान मत पहुँचाइएगा और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी बर्ड घायल मिलता है अगर स्पेशल इन मुंबई इन सब एरिया तो आप ये नंबर पे कॉल कीजिए वो बन uh, उनके ग्रुप में से कोई ना कोई कॉल उठाएगा और वहाँ पर आके वो बर्ड को लेके जाएंगे एंड दे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपको कोई भी इंसिडेंट ऐसा मिलता है जहाँ पर आपको बर्ड घायल मिलते हैं या तो वो मांझे में वो बर्ड अटका हुआ है uh, uh, और खून निकल रहा है और हेल्पलेस है तो प्लीज आप ये ये नंबर पे कॉल कीजिए एंड द पर्सन एंड द ग्रुप विल डेफिनेटली टेक केयर अबाउट इट या सो दैट्स वॉट ऑन सो लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स बट या बिफोर गोइंग ऑन सेक्टर एनालिसिस मैं जस्ट uh, एक रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक को कि जो भी लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में रहे हैं या तो मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं दे न्यू तो स्टिक चार्ट और उनको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए फ्री ट्रेनिंग तो मैंने मेरे यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं से लेके एडवांस तक और एडवांस में भी मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न वीसीपी पैटर्न आर एस आई स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी ये सारे फ्री में अपलोड किए हुए हैं तो आपको उसके लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई बिलीव इन फ्री एजुकेशन सो मैंने सारे वीडियोस फ्रीली प्रोवाइड किए हुए हैं आप जस्ट गो थ्रू करिए अराउंड फोर्टीन टू सिक्सटीन वीडियोज़ है आप कम से कम दो तीन बार गो थ्रू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको एक ट्रेडिंग में एज मिलेगा सी जनरली बेजिक आई मीन इन मल्टीपल यूट्यूब चैनल दे आर चार्जिंग बट मेरे हिसाब से इसमें कोई भी एडवांस लेवल कोर्स नहीं होता है क्योंकि आज की तारीख में भी मैं जो पैसा बनाता हूँ स्टॉक मार्केट में आई एम गेनिंग एटलीस्ट थ्री टू फोर परसेंट मंथली बेसिस इन अ गुड मार्केट सो मैंने कोई एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं सीखा है इट जस्ट कि मैं मेरे मेंटर्स के पास से uh, जो भी बेसिक चीजें है जो मैंने सीखी है उस पर ही कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहता हूँ एंड डेली के पाँच सौ चार्ट स्कैन करके आ, मुझे आइडिया आ जाता है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं कहाँ पर एंट्री लेना है क्या रिस्क मैनेज करना है कौन से पोजिशन uh, साइजिंग लेने हैं कितने लॉट लेने हैं नॉट लॉट बट कितने स्टॉक्स लेने हैं क्वॉन्टिटी में तो ये सारी चीजें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार गो थ्रू करिए वो वीडियो एंड जो भी मैंने वीडियो बताए हुए हैं उस पर आप डेली प्रैक्टिस करिए एंड डेली पाँच सौ चार्ट स्कैन करिए आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और आपको अगर क्लोज अटेंशन चाहिए मेरा या तो फिर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना है जहाँ पर मैं जो स्टॉक्स में एंट्री लेता हूँ मैं जो स्टॉक से एग्जिट लेता हूँ या तो स्टॉक वीक होता है तो वहां पर मैं एग्जिट ले लेता हूँ तो ये सारी टेक्निक अगर आपको सीखनी है देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन ट ग्रुप वेर आई मेन इट विलोज अटेंशन एंड वेन एवर आई एम मेकिंग दी आई इमीडिएटली इन्फॉर्म दी टीम कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर एक एज मिलेगा आपको सीखने भी मिलेगा एंड आप पैसे भी बना सकते हो अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो भी मेरा लिंक प्रोवाइडेड है जहाँ पर कुछ स्टॉक्स में मैं एंट्री लेने के बाद पब्लिक को इन्फॉर्म करता हूँ बट देट विल बी अ लिटल लेट स्टेज और कई बार मैं हिंट भी दे देता हूँ कि भाई ये स्टॉक्स में आ, 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 ये स्टॉक्स में अब ट्रेंड चालू होने वाला है एंड अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन इट्स प्योर साइंस प्योर टेक्निकल एनालिसिस तो आप सीखिए और आप कमाइए बट अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस को एज अ सीरियसली लोगे तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है बट अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है और मैं स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ सब लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा तो आई एम टेलिंग यू हंड्रेड परसेंट वो पैसा मार्केट को देके जाओगे हंड्रेड परसेंट तो सौ में से नब्बे पैसा देके जाते हैं ओनली टेन परसेंट ऑफ ट्रेडर्स आर मेकिंग मनी सो अगर आप इसको सीरियस बिजनेस मानना चाहते हो तो डेफिनेटली किसी भी मेंटर को ज्वाइन करिए उनके पास सीखिए उनके गाइडेंस में ट्रेड करिए अगर आप किसी भी मेंटर के अंडर में नहीं हो और आप अपने हिसाब से ही ट्रेडिंग कर रहे हो तो आई एम टेलिंग यू यू विल लूज द मनी हंड्रेड परसेंट यू विल लूज द मनी हो सकता है कि एक दो स्टॉक में आपको प्रॉफिट आए बट ओवरऑल कैपिटल पे अगर आपको कोई रिटर्न जनरेट करना है जैसे आप कुछ बिजनेस कर रहे हो राइट आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या देखते हो कि भाई मैंने दस लाख पंद्रह लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो मेरा मंथली उस पर दो टका तीन टका निकले राइट तभी तो उसको बिजनेस बोलते हैं हाँ अगर आपके दस स्टॉक में से एक स्टॉक चल गया और आप चिल्ला रहे हो कि भाई मुझे इसमें ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट रिटर्न मिल गया है तो उससे आप कुछ बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे ठीक है आपने एक बार दस पंद्रह हजार कमा लिया एंड यू आर यू आर ट्राइंग टू टेल एंटायर वर्ल्ड के मैंने पैसा बनाया बट वैसे पैसा नहीं बनता है पैसा कैसे बनता है कि आप अपने कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ कितना कैपिटल पे रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो दैट इज हाउ आप बिजनेस चला रहे हो हाँ, अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो डोंट जॉइन इवन माई ग्रुप एज वेल अगर आप सीरियस मनी बनाना चाहते हो देन ओनली यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप प्राइवेट ग्रुप सो यू आई गिव यू दी लॉट्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग ठीक है सो दैट्स जस्ट वॉन्टेड टू शेयर द क्विक इंफॉर्मेशन विद एवरी वन एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी सेक्टर्स सो सेक्टर्स में देखने आए तो निफ्टी बैंक निफ्टी Uh and all other sectors are looking very strong in in fact nifty bhi, uh, it's it has made the new high and if this high breaks 22,025 then I mean it will be a again uh, uh, going to be a next bull run but again uh, see as I said I mean I keep telling keep telling you like most of the stocks are overextended so you need to be very careful when you are uh, when you are doing a trading राइट right? ट्रेडिंग में अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करना है वी नीड टू कीप वेरी टाइट स्टॉप लॉस एंड हम लोग को वही स्टॉक लेने हैं जिसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो हमें ये नहीं देखना है कि भाई रियालिटी uh, में डीएलएफ चल गया शोभा चल गया और मैं रह गया और लेट्स टेक अ एंट्री नहीं आप मूव केबल गिरोगे जैसे अभी अयोध्या uh, राम अयोध्या uh, में राम मंदिर राम मंदिर बन रहा है तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स न्यूज में थे और मैंने एक स्टॉक बहुत एडवांस में बताया था जो मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ही अच्छा चला है आई थिंक उसने दो या तीन दिन में थर्टी परसेंट रिटर्न दिया है और आपको देखना है तो मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखिए मैंने वो स्टॉक के लिए बोला भी था तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत करिए बट टेक्निकल एनालिसिस में वो आपको पहले ही दिख जाएगा जहां पर जहां पर भी कुछ न्यूज आने वाली है फ्यूचर में वो प्राइस एक्शन प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन से आप इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर पाओगे ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी इज गुड बैंक निफ्टी इज गुड आईटी स्पेशली अगर आप लास्ट वीक देखोगे तो दो ही चीजों ने मार्केट को चलाया है वन इज रिलायंस एंड सेकंड इज आईटी सेक्टर और आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो देख लीजिए मैंने रिलायंस के लिए भी बोला था और आई सेक्टर के लिए भी बोला था तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं जेन्यूनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू वो लोग पैसा बनाते ही है सो so, uh, अगर आप देखने जाओ तो नेक्स्ट वीक आईटी सबको मालूम है कि आईटी ने बहुत अच्छा रन दिया था एंड इट वाज अ पहले इसने यहां पर रन दिया था ये वीक में फिर तीन वीक रिट्रेस कर रहा था एंड देन बूम राइट इवन दो इन्फोसिस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है फिर भी चला है एंड बिकॉज uh, uh, इतने लास्ट दो सालों में आई चला ही नहीं है एक दो साल में अगर आप देखोगे तो आई रन किया ही नहीं है तो आई थिंक दिस स्टॉक्स आर गिविंग यू सम गुड रिजल्ट मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी किए आई में सो so, एक आई सेक्टर अच्छा है दूसरा एक मुझे सेक्टर अच्छा लग रहा है पी एस यू बैंक्स अगर पी एस यू सेक्टर भी चला तो भी अच्छा आई uh, थिंक वो रिटर्न दे सकते हैं अनदर गुड सेक्टर इज एनर्जी एज एनर्जी क्यों अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑफ रिलायंस ओनली रिलायंस इट सेल्फ इज अ सेक्टर और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर रिलायंस चला तो निफ्टी चलेगा ही चलेगा बिकॉज इट हैज अ वेरी हेवी वेटेज इन निफ्टी सो so, एक एनर्जी पे ध्यान दीजिए एनर्जी के कुछ स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं uh, कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ एंड uh, दूसरा एक है कि आई थिंक इसके बाद मुझे एक इंफ्रा इंफ्रा तो ऑलवेज एवरग्रीन सेक्टर है एंड इनफेक्ट बजट में भी इंफ्रा को वेटेज दिया जाएगा तो इंफ्रा सेक्टर पे भी आप ध्यान दे सकते हो एंड इट इज इट इज गोइंग वेरी सिंगल वे सी लोग बोलेंगे कि भाई निफ्टी बहुत चल रहा है ये सारे स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं ये बबल है अरे बाबा बबल है तो आप उसका एडवांटेज लीजिए ना टाइट टाइट स्टॉप लॉस रखिए और आप स्टॉक्स में एंट्री लेके कुछ परसेंटेज के बाद आप एग्जिट करिए आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे जाएंगे कि मार्केट तो ओवर एक्सटेंडेड है और आ, आ, हमें नहीं अभी जानना चाहिए मुझे वेट करना चाहिए करेक्शन का अरे भाई करेक्शन आएगा तब हम लोग एग्जिट करेंगे राइट करेक्शन करेक्शन करके आप कितनी अच्छी रैली को मिस कर रहे हैं राइट सो डोंट डोंट डू दैट आई मीन वी आर ट्रेडर्स सो ट्रेडर्स को एक अच्छे uh, ट्रेडर की तरह बिहेव करके उसमें से प्रॉफिट निकालना चाहिए हाँ आपके स्टॉप लॉस आपको लेना आना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक में एंट्री ले लिया और फिर नीचे धड़ाम से गिरा तो आप बोलोगे कि नहीं भाई मार्केट तो सट्टा है और सब लोग उल्लू बना रहे नहीं वैसा नहीं है आपको आता नहीं है वो स्किल आपके पास है नहीं तो आप हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहोगे मैंने कई सब कई सारे यूट्यूबर को भी देखा है कि नहीं भाई मेरा तो मैंने तो आधा पोर्टफोलियो खाली कर दिया और अभी मैं शांति से बैठा हूँ वैल्यू बाइंग इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो भाई तू कर वैल्यू बाइंग इन्वेस्टिंग बट हम लोग ट्रेडिंग करके अच्छा सा पैसा बना रहे एंड इट्स नॉट लाइक दैट आई मीन आई एम जोकिंग आई मीन आई एम आई एम शेयरिंग माई प्रॉफिट्स विथ माई टेलीग्राम चैनल इवन ऑन रेगुलर बेसिस तो ट्रेडिंग में पैसा बनता है इट्स जस्ट लाइक आपको पैसा बनाना आना चाहिए और हाँ आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए और राइट right टाइम पे एग्जिट करना भी आना चाहिए हाँ मार्केट खराब हुआ तो मैं सीधा कैश में आ जाऊंगा राइट right? मुझे क्यों रिस्क लेना है अगर मार्केट खराब है तो बट मार्केट अच्छा है तो डेफिनेटली आई टेक अ बेनिफिट सो दिस इज वॉट अबाउट ऑल दी सेक्टर्स लेट्स टॉक अबाउट दी नाउ स्टॉक्स फॉर दी नेक्स्ट वीक सॉरी फर्स्ट okay. uh, हम लोग डिस्कस करेंगे राइडिंग स्टॉक्स के जो मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके देखिए मैंने लास्ट वीक कौन से थे, तो आपको आइडिया आएगा फर्स्ट इज मास्टेक अगेन आई टी सेक्टर इज बूमिंग सो देर इज नो पॉइंट इन एग्जिटिंग फ्रॉम दिस स्टॉक लुक्स वेरी गुड सेम थिंग फॉर विप्रो अगेन आफ्टर रिट्रेसमेंट अगेट इज पुलिंगअ अप एंड आई थिंक हम लोग ने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था ये स्टॉक्स सो आई एम स्टिल बुलिस ऑन दिस स्टॉक्स इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट विप्रो के रिजल्ट अगर अच्छे आए तो यू कंटिन्यू बिरला सॉफ्ट एवरग्रीन स्टॉक एंड हम लोग ने बार बार ये डिस्कस किया था दो वीक पहले डिस्कस किया था लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और लास्ट वीक में अगर रिजल्ट देखो टेन पॉइंट रिटर्न देखो टेन पॉइंट थर्टीन परसेंट इम्फोसिस स्टिल लुकिंग गुड और ये हम लोग ने बार बार डिस्कस किया था कि ये कप पूरा पूरा कर रहा है मतलब आ, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये कप कंप्लीट uh, करने की कोशिश कर रहा है नाउ इट डिपेंड्स ऑन रिजल्ट एज वेल के रिजल्ट कैसा आ रहा है बट अदरवाइज दिस स्टॉक स्टिल लुक्स गुड एक फार्मा का स्टॉक जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं जेबी केमिकल एंड दिस स्टॉक इज स्टिल गुड एंड आई कैन सी लास्ट वीक ये रन नहीं किया था बट ये कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है अगर ये आप ये रेंज देखोगे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है राइट सो आई एम स्टिल बोलिस ऑन दिस स्टॉक and I'm just waiting to break this particular level 1709 or 1740 something like that. IRCTC मैं बार बार बोल रहा हूँ आई आर सी टी सी स्टॉक गुड रिटर्न मैं यहाँ से इसको ट्रेल कर रहा हूँ एंड मैंने प्रॉफिट भी शेयर किए थे अपने के आई आर सी टी सी में क्या प्रॉफिट में मैनेज कर रहा हूँ एंड स्टिल मैं इसमें बुलिश हूँ और uh, ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है एंड आई थिंक अगर आप देखो ध्यान से देखो कि इस स्टॉक को तो ये लेवल अगर इसने अच्छे से क्रॉस कर दिया है ठीक है ना नेक्स्ट लेवल में देख रहा हूं एक हजार पचास अगर ये भी ब्रेक कर लिया तो डेफिनेटली वन थ्री जीरो टू तक तो ये जाना ही जाना है सो एन एंड इन्फ्रा है दोस्त रेलवे इज द मोनोपोली कंपनी आई आर सीटी इज मोनोपोली कंपनी राइट सो अगर ट्रेडिंग नहीं तो फंडामेंटल भी आप देखोगे तो बजट में भी रेलवे को ज्यादातर सी इंडिया का मेन थीम अगर आप मोदी जी को या तो अगर करंट गवर्नमेंट को देखोगे तो देर मेन थीम इज टू डेवलप द इंफ्रा एंड टूरिज्म सो टूरिज्म कब डेवलप होगा जब आपका इंफ्रा स्ट्रांग होगा नॉट एवरी वन इज अफोर्डिंग द फ्लाइट राइट सो अगर फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर रहे तो पब्लिक कहाँ से ट्रेवल करेगा तो रेलवे से ट्रेवल करेगा तो रेलवे में अगर आप देखोगे तो वंदे भारत एंड सो मेनी न्यू न्यू बुलेट ट्रेन प्लांस एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सो so, बेनिफिट किसको मिलेगा अगर आप स्टडी करोगे ध्यान से आई बिजनेस आ रहा है मेन तो उनका प्रीमियम ट्रेन टिकटिंग से बिजनेस आ रहा है, तो premium, train, आ आ रहा है और प्लस कैटरिंग से बिजनेस आ रहा है अगर आप तिजोरी फाइनेंस में या तो कोई भी अच्छी साइट से देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कि उनका लेट मी शो यू वन अगर तिजोरी फाइनेंस ये भी जस्ट किसी टूल का ये नहीं ले रहा हूं मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट आपको एक जस्ट बता रहा हूँ कि आपको बिजनेस स्टडी करना है देन हाउ यू कैन स्टडी द बिजनेस अगर आप इसको देखने जाओ आई आर सी टी सी राइट या लुक एट दिस आई आर सी टी सी का अगर रेवेन्यू आप देखने जाओ तो कैटरिंग बिजनेस ये कैटरिंग बिजनेस कहां से आ रहा है ये प्रीमियम ट्रेन से आ रहा है अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया है प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में कि कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड इनकम फ्रॉम ऑन बोर्ड अदर सर्विसेस लाइक राजधानी शताब्दी प्रीमियम ट्रेन और मैक्सिमम रेवेन्यू फिफ्टी फाइव परसेंट रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है ठीक है बाकी तो उनका जो भी नॉर्मल बिजनेस है टिकटिंग बिजनेस वहां से पैसा आ रहा है कन्विंस कन्विंस फी एंड अगर आप प्रोडक्ट वाइज थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको आइडिया आएगा ठीक है सो ये ये जस्ट आपको एक्सप्लेन uh, कर रहा हूँ जो फंडामेंटल स्टॉक लवर्स है जो जिनको फंडामेंटल बहुत uh, अच्छा लगता है दे कैन ऑलवेज स्टडी दिस स्टॉक इवन ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म वेर यू कैन डू द फंडामेंटल स्टडीज राइट कि कितना म्यूचुअल फंड है इवन स्क्रीनर में भी बताया गया है बट अगर आपको ग्राफिकल अच्छा लगता है देन यू कैन चेक फॉर ट्रेंड लाइन एज वेल अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे लेट मी me... स्टडी ओपन दिस पर्टिकुलर स्टॉक आई आर सी टी सी सॉरी सो अगर आप इसमें देखने जाओ तो यहाँ पर ये पूरा स्वाट एनालिस करता है कि कितने स्ट्रेंथ है कितना वीकनेस है अपॉर्चुनिटी क्या है ओके okay? देन अगर आप इसमें डिटेल में लेवल पे जाओगे तो ये इंडिविजुअल आपको प्राइस कंपेरिजन पी कंपेरिजन अगर आप पी कम्पेयर e. करना चाहते हो तो पीई e. भी कंपेयर कर सकते हो ठीक है ये ये चीज आप कर सकते हो कि इसमें कैसे स्टडी करना है कि आपका आपका प्राइस वर्सेस पीई कैसे इंक्रीज हो रहा है राइट सो प्राइस कहाँ पर है पीई कहाँ पर है फिर आप अगर और डिटेल में देखना चाहते हो होल्डिंग वाइज भी देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है कंसिस्टेंटली देर इज नो रिडक्शन इन दी प्रोमोटर होल्डिंग हिस्टोरिकल एफ आई आई होल्डिंग भी कंसिस्टेंटली सेम है अगर बड़ा है इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो सेवन पॉइंट इलेवन थाउंडी डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में ये बड़ा है सेवन पॉइंट थर्टी फोर है म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिएबल इट इज ऑलमोस्ट डबल वन पॉइंट जीरो फोर था अभी टू पॉइंट फोर्टी थ्री है सो जस्ट थिंक अबाउट इट लॉजिकली अगर म्यूचुअल फंड जिसमें वेरी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो डीपली स्टडी करते हैं एंड ग्रोथ को देखते हैं फ्यूचर अर्निंग्स क्या है तो अगर उन लोग को यहाँ पर आई आर सी टी सी में पोटेंशियल लग रहा है तो हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं जा सकते हैं ठीक है थीके? तो ये स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट परपज से भी अच्छा लग रहा है और ट्रेडिंग पर्पज से भी अच्छा लग रहा है तो आई एम आई एम इन्वेस्टेड इन टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड टेक्निकली भी हम लोग जहाँ पर टेक्निकली बात देखने जाए तो इट इज इट इज फैंट अगर वीकली चार्ज देखो आप मंथली चार्ज देखो ठीक है एंड डेली चार्ज देखो सब जगह पर यह बुलिश है सो so डेफिनेटली uh, इसने अच्छा रन दिया है बट स्टिल आई एम बुलिश सो आई एम आम नॉट गोइंग टू एग्जिट राइट नाउ एंड आई विल कीप कंटिन्यू टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है अभी रिलायंस की बात कर रहे हैं तो रिलायंस मैंने आप लास्ट वीक का वीडियो देखिए लास्ट टू लास्ट वीक का भी वीडियो देखिए मैंने बोला था यहाँ पर ही बोला था कि ये इसने कब तोड़ा है एंड इट इज गोइंग टू रन एंड जब ये हाथी दौड़ता है तो ऑब्वियसली मार्केट को खींच के जाता है तो इट्स अ सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिलायंस एंड जब से इन्होंने जियो में uh, अपना इन्वेस्टमेंट uh, डाइवर्सिफाई किया है

कि ये एक पर्टिकुलर कप तोड़ रहा है अगर आप कप नहीं बट एक रेंज तोड़ रहा है तो आप इसमें ध्यान दीजिए अगर आप इसमें देखोगे तो ये लास्ट कुछ डेज पे फ्लैट कंसोलिडेट कर रहा था सो so ये ये कैंडल के बाद ये फ्लैट कंसोलिडेट कर रहा था एंड देन बूम इसने अपर सर्किट मारा था तो अगर आप आ, आपने एंट्री ली है देन यू हैव गॉट द बेनिफिट अदरवाइज आप कीप दिस स्टॉक इन वॉच एज वेल फंडामेंटली दिस स्टॉक इज नॉट गुड आई एम टेलिंग यू बट ट्रेडिंग ट्रेडिंग से अगर किसी में होता क्या है मैं अगर वापस यही चीज रिपीट कर रहा कि ट्रेडिंग में हम लोग को पाँच से पंद्रह परसेंट प्रॉफिट लेकर निकलना है अगर ये माइंडसेट अगर आप रख रहे हो तेन ही आप ट्रेडिंग में आओ अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पचास परसेंट सौ परसेंट बनाना है तो वो ट्रेडिंग में नहीं बनेगा वो आपको इन्वेस्टमेंट में बनेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए बहुत सारी फंडामेंटल स्टडीज चाहिए जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि कंपनी किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड है वो प्रोडक्ट का ग्रोथ कितना है वो प्रोडक्ट इंडिया में ही चल रहा है कि एक्सपोर्ट बिजनेस पे है म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्टेड है एफ कितना इन्वेस्टेड है बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती है एंड अभी कौन से पी e. पे मिल रहा है अगर आप देखने जाओ तो इंडस्ट्री पी e. क्या है मीडियन पी e. क्या है स्टॉक का पी ऑफ पैरामीटर यू यूनिट टू स्टडी वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक सो डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग पर्पज के लिए आ रहे हो तो आपको पांच से पंद्रह परसेंट का ही टारगेट रखना चाहिए उससे ज्यादा टारगेट मत रखो नहीं तो आप मुकेबल गिरोगे बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि मैं भाई पिरामिड करता हूँ पिरामिड करता हूँ बट देन पिरामिड करने के बाद धाड़ से एक बार स्टॉक नीचे आता है देन पर्सन इज नॉट एबल टू एग्जिट इड सो बेटर है कि आप ट्रेडिंग माइंड से इस वीडियो को देखे जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अभी ये जैसे मैंने बोला था एडीएसएल ये मैं इसी स्टॉक की बात कर रहा था जो मैंने लास्ट आ, वीक में बोला था और ये आप देखिए लास्ट वीक के बाद इसने कितना रिटर्न दिया वन डे ट्वेंटी परसेंट एंड सेकेंड डे ऑलमोस्ट ये पंद्रह परसेंट जाके आया था तो थर्टी परसेंट रिटर्न पब्लिक ने जनरेट किया है तो आप अगर थर्ली ट्रेडिंग को एंजॉय करना चाहते हो तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन को स्टडी कीजिए पूना वाला भी स्टॉक मैंने बोला था ये दो वीक से मैं खुद तीन वीक से मैं खुद ट्रेल कर रहा हूं एंड यहां पर ये मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि ये पर्टिकुलरली कब तोड़ रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो तो 456 से लेकर अगर आप देखने जाओ तो इसने कितना रिटर्न दिया है लेट्स लुक एट दिस स्टॉक ऑलमोस्ट टेन परसेंट राइट ग्रेजुअली बढ़ रहा है बट स्लो एंड स्टडी सो टेन परसेंट रिटर्न अगर इसने एक वीक में दिया है तो नॉट बैड राइट पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड आप अभी भी इसको राइड कर सकते हो जिस आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अभी कैसे ट्रेल करना है वो भी मैंने एग्जाम्पल के साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया है अभी उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए राइट सो डू डू अप्रिशिएट दिस वीडियो एज वेल आई थिंक मेनी पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो बट दे आर नॉट क्लिकिंग ऑन लाइक बटन सो प्लीज डू लाइक द

बट नॉट बैड राइट वन वीक फाइव परसेंट आपको पूरे साल एफ डी में मिलता है जो मैं यहाँ पर एक वीक में आपको दे रहा हूँ पूनावाला में थर्टी परसेंट ए डी एस एल में रिलायंस में आपको uh, और क्या चाहिए आपको टाटा पावर अगेनट स्टॉक्स एंड स्टिल आई एम बोलिस आई एम इन्वेस्टेड इन टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आई एम गोइंग टू राइड इट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन एनर्जी इन पावर सेक्टर सो यू शुड कीप एन आई एंड यू शुड इनवेस्टेड कीप इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक हाँ बट ट्रेडिंग पर्पज से आपको स्टॉप लॉस टाइट रखना है ना लेट स्टॉक अबाउट दि स्टॉक फॉर टूमोर फर्स्ट स्टॉक इन आई टी इज एचसीजी आप एच सी एल टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट भी अच्छे पोस्ट किए हैं एंड मैंने आई थिंक इसमें फ्राइडे को ही एंट्री लिया है फॉर ट्रेडिंग पर्पज एंड इन्वेस्टमेंट परपज एज वेल बिकॉज आई लाइक दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड रिजल्ट भी अच्छे पोस्ट किए नॉट बैड मार्केट एक्सपेक्टेश को बीट किया हुआ है अगर आप इसको डेली और वीकली चार्ट दोनों में देखेंगे तो इट लुक्स गुड अगर मैं मल्टी ई में भी लोड करता हूँ तो ऑल ई एम आर इन करेक्ट ऑर्डर राइट फाइव टेन ट्वेंटी वन फिफ्टी एंड टू हंड्रेड सो शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड एवरीथिंग लुक्स गुड सो कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड डेली चार्ट पे भी अगर देखोगे तो वेरी नीट एंड क्लीन चार्ट सी आपको चार्ट स्टडी करना भी आना चाहिए कई बार लोग है ना बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट पोस्ट करते हैं मल्टीपल फॉरम में आप ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं ये देखिए सिंपल ये कब बनाया ये कब थोड़ा है एवरेजिस मूविंग एवरेजिस इन अगर मूविंग एवरेज को देखे बिना भी, भी अगर आप चार्ट को देखोगे तो कितना क्लीन चार्ट लग रहे हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन को भी देखोगे तो कितना क्लीन लग रहा है लाइक लुक एट दिस वॉल्यूम बिग एलिफेंट वॉल्यूम बिग एलिफेंट वॉल्यूम रिजल्ट इज गुड डिविडेंड कम आ रहा है ओ, Now, RSI, और क्या चाहिए आपको नाउ टेक्निकली जो आर एस आई एडीएक्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं वो भी आप देख लीजिए पे चल रहा है ADX, super, super strength, 40, uh, 29 का है सुपर सुपर स्ट्रेंथ का और प्लस डीएमआई फोर्टी चल रहा है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी ब्लू बबल आ रहा है आई टी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है और क्या चाहिए अगर आप मंथली चार्ट भी अगर इसका देखोगे तो इट लुक्स वेरी स्ट्रोंग राइट ठीक है नेक्स्ट स्टॉक विच आई टुक दी ऑन फ्राइडे इज सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड आई थिंक दिस स्टॉक हैज जस्ट स्टार्टेड मूवमेंट आई मीन अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे वॉट ऑफ वॉल्यूम थ्री पॉइंट टू जीरो एट वाली इट नॉट अमाल इसका एवरेज वॉल्यूम भी अगर देखोगे तो फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड के है और ये वन डे में थ्री हंड्रेड वॉल्यूम दिया है मतलब थ्री मिलियन सॉरी थ्री मिलियन वॉल्यूम दिया हुआ है एंड यहाँ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है बट बुल मार्केट में ये छोटे मोटे चिंदी रेजिस्टेंस तो कुछ मायने नहीं रखते हैं तो कीप दिस इन योर अगर आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में होते तो आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया होता था 725, 726, uh, लेवल पे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बिकॉज वहां पर मेरे प्राइवेट ग्रुप में सबने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है सो इट्स अ गुड स्टॉक स्टिल आप यहाँ पर अगर एंट्री लेना चाहते हो थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है अदरवाइज दिस स्टॉक विल फ्लाई आफ्टर दैट लेवल

राइट सिक्सटी परसेंट दे सकता है किसी भी की गारंटी नहीं होती है मार्केट में बट जनरली ऐसे मेजर करते हैं कि भाई ऐसे स्टॉक्स को हम लोग टारगेट मेजर करते हैं रिटर्न राइट सो दिस स्टॉक लुक्स गुड टू मी वाई बिकॉज आई हैव गिवन यू द रीजन ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो प्राइस वॉल्यूम को देखिए फॉरगेट अबाउट आर एस आई एडीएक्स आर एस सबको भूल जाइए प्राइस वॉल्यूम क्या बोलता है सी जस्ट ओपन दिस चार्ट आ, ये मूविंग एवरेज भी मैं निकाल देता हूँ लुकेट प्राइस वॉल्यूम सी ये कैंडल वॉल्यूम देखिए ये थोड़ा सा वीक था वॉल्यूम देखिए यहाँ पर रिट्रेस किया बट वॉल्यूम कोई भी रिटेल कोई भी बड़ा सा प्लेयर निकल नहीं रहा है राइट और यहाँ पर बूम और ये होने के बाद आप सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे आइए तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि भाई ये क्लीन बड़ा सा अक्यूमलेशन हुआ है और नाउ इट इज रेडी टू फ्लाई एंड यहां पर लास्ट वॉल्यूम भी देखिए इट्स नॉट अ स्मॉल वॉल्यूम राइट इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम अगर आप वॉल्यूम देखने जाओ 1.49 मिलियन 1.2 मिलियन सो इट्स अ गुड वॉल्यूम सो सो ये ये स्टडी आपको मास्टर लाना पड़ेगा और ये मास्टर लाने के लिए आपको डेली के पांच सौ चार्ट स्टडी करने पड़ेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है पांच सौ चार्ट स्टडी करने के देन यू कैन ज्वाइन मी हाइल गाइड यू ठीक है so let's uh, go to the another stock which is uh, IT sector का को फोर्स अगेन दिस स्टॉक लुक्स गुड टू मी मैंने बहुत सारे वीडियो के मतलब वीक के पहले बोला था कि ये कब ब्रेक हो रहा है अगर आप ये कब ब्रेक हो रहा है it is trying to fly further and and this is happening right थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया थोड़ा सा आपको नचाएगा यहाँ पर बट देन सी एक ही दिन में यू हैव गॉट 5.68 पॉइंट सिक्स एट परसेंट सो कीप ए नई दिस स्टॉक इज स्टिल लुकिंग गुड टू मी कंसोलिडेट कर रहा है ये पर्टिकुलर रेंज अगर ये सेवन एटी कैन फ्लाई एंड अगेन लुक एट प्राइस वॉल्यूम ये बड़े से कैंडल के बाद ये डांस करवा रहा है आपको बट अगेन एज अ ट्रेडर वी कैन ऑलवेज टेक एंट्री आफ्टर लेवल Now, banks में मुझे मैंने बोला ना कि कुछ बैंक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं जो मैंने खुद पर्सनली भी एंट्री लिया था मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी बोला था कि भाई यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं ये ब्रेक होने के बाद मुझे अच्छा वॉल्यूम दिखा था तो मैंने एंट्री लिया था एंड महा का महाराष्ट्र बैंक का आप लोग ने बीच में भी देखा था वेरी गुड नंबर दे आर शेयरिंग देर गुड रिजल्ट ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो मुझे फंडामेंटली भी ये बैंक बहुत अच्छा लग रहा है तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज सेफ एंट्री यू कैन टेक इट आफ्टर दिस दिस लेवल आफ्टर लेवल आप अगर इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि ये लेवल के बाद हालांकि मैंने एंट्री ले लिया है बट अगर आपको एंट्री लेना है एज अ सेफ ट्रेडर तो यू कैन ऑलवेज टेक अ एंट्री एट फोर्टी नाइन लेवल एंड अगर इसने हाई तोड़ दिया ऑल टाइम हाई तोड़ दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले राइट फिफ्टी टू लेवल सॉरी बट दिस स्टॉक लुक्स गुड टू मी नेक्स्ट स्टॉक है एस बी आई एन एस बी आई एन स्टॉक में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज पी एस यू सेक्टर में यही एक स्टॉक है जो चला नहीं है एंड uh, मुझे लास्ट वीक वॉल लास्ट डे का वॉल्यूम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है स्टिल अगर मुझे ये लेवल अगर सिक्स फोर्टी सिक्स लेवल अगर ये क्रॉस करता है सिक्स फोर्टी सेवन लेवल तो आर एस आई भी बुलिस रेंज में आ जाएगा एंड देन दिस स्टॉक इज गुड फॉर ट्रेड फॉलो so well. uh, करता हूँ अच्छा मुझे तो कुछ स्टॉक होते हैं ना जो हमेशा रिटर्न अच्छे देते हैं और अगर आपने ये ध्यान से भी देखा रहेगा लेट मी शो यू वन थिंग वन गुड थिंग सी यहाँ पर इसने ये कप बनाया और वापिस उसने छोटा सा कप बनाया यहाँ पर ये आप जब भी आप स्टडी करोगे ना तभी आपको पता चलेगा डेली आप स्टडी नहीं करते हो ना इसीलिए आपको ये सारे स्टॉक समझ में नहीं आते हैं अभी देखिए ये कब बनाया ये वापस उसने कब बनाया एंड देन बूम तो मैंने एंट्री फ्राइडे ही ले लिया था ठीक है so, सो यहाँ पर मैंने एंट्री लिया था आई थिंक ये ये वन ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी फाइव आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एंट्री प्राइस बट ये आई टूक दी एंट्री एंड मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी एंट्री दिलवाया था बट हाँ ये रिकमेंडेशन नहीं है मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग अदर स्टॉक्स कैंप मुझे अच्छा लग रहा है वाई बिकॉज लास्ट दो दिन में वॉल्यूम अच्छे है तो शायद ये स्टॉक में कुछ रन दिख रहा है बिकॉज ये कब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है एन सी कैम्प को फंडामेंटल भी आप देखोगे कैंप्स है क्या मतलब आ, सारे जो भी एस आई पीस चल रहे आई थिंक सबने देखा होगा मैनेज कहाँ हो रहा है जो मेन रेगुलेटरी है वो कैम्प सी है तो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू गेट बेनिफिट जैसे कैंप्स है सी डी एस एल है ये इन लोग ये तो आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग पर्पज के लिए अगर देखने जाए तो अगर ये कब तोड़ कर तोड़ेगा देन वी शुड मेक अ एंट्री सुजलोन अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स मैं चार बार इसमें एंट्री लेके एग्जिट कर चुका हूँ एंड टुक दी ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड ये कप इसने तोड़ा है तो मुझे ये और भी स्ट्रांग लग रहा है बट ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है तो अगर आप कंफर्टेबल है विध रिस्की स्टॉक देन ओनली यू कैन मेक अ एंट्री अदरवाइज अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस एंड वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा कंसर्निंग था बट अभी मुझे लग रहा है कि दिस स्टॉक इज गियरिंग अप तो आई एम आई एम ऑलवेज टेकिंग एंट्री एंड एग्जिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड गेटिंग गुड बेनिफिट एंड मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एनर्जी सेक्टर अगर चला तो इस स्टॉक को बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा सोलार एनर्जी आई पोस्टेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक आफ्टर ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर लेवल आई पर्सनली टुक द एंट्री एंड गॉट द बेनिफिट गुड बेनिफिट इनफैक्ट मैंने यहाँ पर ये स्टॉक में ऑलमोस्ट फाइव परसेंट का बेनिफिट लिया है आई बुक माई पार्शियल क्वान्टिटी एंड स्टिल आई एम राइडिंग इट एंड फेंटास्टिक कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो आपको परेशान करेगा बट ठीक है आई मैन यू कैन टेक दैट पर्टुलर रिस्क सो अदरवाइज आई एम बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड फंडामेंटली भी स्ट्रोंग है टेक्निकली भी स्ट्रोंग है विथ मूविंग एवरेज आर एस आई एंड एवरी थिंग right so that's it guys i think these are the only stocks which i wanted to discuss uh, with all of you so uh, thank you guys and uh, do like my video and uh, bye bye enjoy your day